नमस्कार, आमर स्वतंत्र कार्यक्रम को स्वागत करुच्छी मु मधु। आज विज्ञान जुगरे चिकित्सा विज्ञान बेस उन्नति कला, साधारण लोक ठारु आरंभ करी कैंसर बेन ट्यूमर भली जटिल रोग या द्वारा ही सफल हो पारुछि। एवं खास करी जदि देखिबा एभली जटिल रोगर गुरुत्वपूर्ण अस्त्रोपचार करी डाक्टर माने मध्य बेस सफल होउछति, तबे आजर एभली विज्ञान जुगरे होमियोपैथी चिकित्सार स्थिति कौन रही होमियोपैथी चिकित्सार गुरुत्वपूर्ण कौन रही से विषय आज आम आलोचना करवा। तेरे ए विषय अधिक आलोचना करने आम सहित उपस्थित रही होमियोपैथी डॉक्टर प्रभात कुमार पटनायक। सर आपण को आम कार्यक्रम को स्वागत। धन्यवाद सर। मोर प्रथम क्वेश्चन रिन था साधारण रोग हो कि जटिल रोग लोक मैंने ये होमियोपैथी चिकित्सा उपर निर्भर करते, तेज आजिका दिन में से सब स्थित अच्छी ना से प्रकार स्थित ना। विज्ञान उन्नति अनुसार जदि होमियोपैथिक सैंस कि जेकोसी सैंस से अनुसार न चलो तो निश्चित से सैंस पछे। गोटे साधारण उदाहरण दूसरी कलेरा रोग, कलिकतार हेनरी बर्ग जड़े डाक्तर होमियोपैथी चिकित्सा करते एंड हि वाज पॉपुलरली नोन एज कलेरा डॉक्टर। किंतु जितेबाला आमर फ्लुइड एंड इलेक्ट्रोलाइट थेरापी ओआरएस डेवलप करिगला एवं लोक मैंने ओआरएस मध्यम अनेक आक्यूट कंडीशन कलेरार आक्यूट कंडीशन कंट्रोल कर पारे से बर्तमान जदि कौन रोगी झाड़ा हो डायरिया रोग हो कलेरा भाई होने ओआरएस मध्यम जा रोग को कंट्रोल कर पार्टी। ये मोर कह ओआरएस थेरापी टाक जदि होमियोपैथी डाक्तर मैंने देवे तो से विज्ञान आडप्ट करेंगे ताले से कलेरा रोग कंट्रोल करसुविधा होबना। तेणुक विज्ञान समय अनुसार विज्ञान को जो परिवर्तन होगा कथा से निहाते आवश्यक से शिक्षा एवं चिकित्सा पद्धति दुटा लेकर करिया पड़े। सर पूर्वर थी जो होमियोपैथी चिकित्सा बहुत कम मूल्य उत्तम सेवा जगह दूसरा आम जी देखा जड़े व्यक्ति सुस्थ होगापी असुस्थ व्यक्ति जेकोसी रोग सुस्थ होगापी होमियोपैथी चिकित्सा द्वारा सक्षम हो ना समस्त प्रकार चिकित्सा होमियोपैथी में भल हम ना कि कौनसी चिकित्सा पद्धति सब रोग भल करना। होमियोपैथी केतक रोग भल हम जोड़ा कि मॉडर्न साइंस एलोपैथी को भल हबार ना। आयुर्वेद केत गुड़ा भल हम जोड़ा कि होमियोपैथी ना कि एलोपैथी ना। तेणु प्रत्येक चिकित्सा पद्धति गोटे प्रकार निर्दिष्ट रोग को भल कर क्षमता अच्छी अनेक समय प्रत्येक पद्धति को ये पद्धति गुड़िक समस्ते गोटे गोटे प्रकार परिपूर्ण कह भाव जहाँ आम कम्प्लीमेंटरी मेडिसिन कहचे हो पार। सर आजिकल व्यस्तबहुल जीवन भितर अनेक भेजाल खाद्य मिलूँ एवं खास कर गोटे अनियमितता जीवनशैली को समस्ते अपना तेज ए सब क्षेत्र में होमियोपैथी चिकित्सा के सफल हो पार। व्यस्तबहुल जीवन भितर गुड़ाए रोग हो लोक मैं जो कहते कहूँ आम लाइफ स्टाइल डिजर्डर डायबिटीज गोटे रोग ब्लड प्रेसर गोटे रोग कैंसर गोटे रोग ये सब इवन ये सब रोग गुड़ाक वर्तमान सुधा कह चिकित्सा जगत आम कहे क्रॉनिक बाय इनक्यूरेबल डिजीज किंतु ये सब जिनस रोग को कंट्रोल करिया लगी विभिन्न प्रकार चिकित्सा नूतन नूतन चिंताधारा आसला। सपोज डायबिटीज लगे इंसुलिन जो भाई गोटे औषध अच्छी जोटा कि अगर चिकित्सा पद्धति ना तेणुकि आमको जानवाक पड़ो जे ये प्रकार डिजर्डर लगे आम मैने किम निजर चिकित्सा जो विभिन्न चिकित्सा पद्धतिर लिमिटेसन आम के दूर ताक हैंडल कर पार ताल जा प्रत्येक प्रत्येक हैंडल परिपूर्वक चिकित्सा करें। सर जो देखा कैंसर एक महामारी भाव उभाई लोक मैंने कैंसर रू भल एलोपैथी को बेस ग्रहण कर कैंसर हिसाब से देखा आजिकल हृदरोगी संख्या भी बढ़ुच्छे ये सब रोगपाई
एलोपाथी चिकित्सा ए सब रोग रोग भल करिया पे एलोपाथी चिकित्सा सक्षम हो कि ना कैंसर हो कि कैंसर रोग प्रथम बड़ जिनस होला जे अर्ली डिटेक्शन जेते शीघ्र आपण अर्ली डिटेक्शन करि परिबे सेते शीघ्र आपण याको भल करि परिबे आज फॉर एग्जांपल अमर जन क्रिकेटर अछन्ति युवराज सिंह तंको कैंसर हेतले से जाय विदेश रे कैंसर चिकित्सा करि करि बर्तमान सुस्थ आम यू समस्त पद्धति जानिया उचित जे अर्ली डिटेक्शन इज द ओनली मेथड टू गिव ए रेडिकल ट्रीटमेंट टू कैंसर आ गोटे जिनस बर्तमान ये सब रिसर्च चलिए जे प्रत्येक मनुष्य अन्य जन ठार अलग वी इंडिविजुअल समस्त परस्पर ठार अलग इवेन आमर डीएनए अलग तेणुक बर्तमान कहु होमिओपैथी चिकित्सा रे गोटे आडभांटेज हो जे होमिओपैथी चिकित्सा रे प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा करा जाए इट इज इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट आपण को ज्वर है मत भी सही ज्वर है कि आपण को औषध अलग मत औषध अलग कहीं आपण मोठार संपूर्ण भाव अलग युअर डीएनए अल्सो डिपार्ट फ्रम माइ डीएनए एको वर्तमान कहुच्छे मॉडर्न साइंस एक पर्सनालाइज मेडिसिन कहे आम कहे इंडिविजुअलाइज मेडिसिन यहाँ 200 वर्ष तले होमिओपैथी डॉक्टर हनीमान ये चिकित्सा पद्धति इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होमिओपैथी यहाँ हूँ बड़ा इंपोर्टेंट जिनस तेणुक जेहेतु आम इंडिविजुअल ट्रीटमेंट अच्छी वी कैन अडॉप्ट द सेम पर्सनालाइज ट्रीटमेंट व्हाट इज बीइंग डेवलप्ड इन साइंस तेनाली होमिओपैथी निश्चित उपाय कैंसर ट्रीटमेंट आगेपर से दीर्घ 2 वर्ष रु अधिक दिन है आम कोरोना महामारी सहित लड़ाई करते से कोरोना महामारी बेले लोक केमती भाव में चिकित्सा जोगा दूसरे से कोरोना महामारी बेले एक्चुअली सरकार बहुत भल जिन गोटे करोनार ट्रीटमेंट लगे अलग अनुष्ठान सृष्टि जेकोसी रोगी जदि कोरोना डिटेक्ट है से डाक्तखाना रखी डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन अनुसार चिकित्सा करते आम पाक कौन रोगी आसी कोरोना आम जानलु तेल आम कोरोना ट्रीटमेंट सेंटर को पठाई दू तेणुक कोरोना चिकित्सा आम पाखे कह गए करूनु किंतु जदि कोरोना रो परवर्ती अवस्था रे ट्रीटमेंट आफ्टर इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट वे आम चिकित्सा कर सर विशेष करे आपण को पाखो को केउ धरण रो रोगी बेसी आसतांदे मोर 45 वर्ष भेतर मो पाखे आंठो घंटी रोगी रिमाटोलॉजी एंड जॉइंट पेन रोगी गुरा मो पाखे आर्थराइटिस एंड रिमाटोलॉजी आसछंते मो सब रोग कारण मु एमए मेडिसिन रो लोक मु भूमि पेतर जो एम डी कर स्पेशलाइजेशन कह मोर सब्जेक्ट है मेट्रोमेडिका मुझे चिकित्सा पद्धति अनुसार होमिओपैथी जो प्रकार रोगी देखुचे बेसी यही रोगी सब देखी सर साधारण तो समस्त मन में गोटे प्रश्न आसे ये जो आंठूगंठ समस्याटा खास कर क्यों बयस होता है रोग रु सुस्थ हाँपाई के समय लगी था आंठूर विभिन्न प्रकार रोग आंठू लगे हम तो सब बड़ जिनस हूँ ओस्टियोआर्थराइटिस इज वेरी कमन नाउडेज कमन इट इज अ मस्ट टू एवरी ओल्ड एज पीपल कारण इट गोटे कैटिलेज नष्ट एवं ये आंठूगंठी रोग गुड़ाक चिकित्सा तो मत जदि गोटे भाषा कह नॉट क्योरेबल कमे लोक को जो आंठूगंठी जॉइंट रोग मो पा आसी कहीं आसूच प्रथम आस मोर कष्ट पेन मुझ चलाबुला कर एंड आई एम डिपेंडिंग अपन अदर्स आज डाक्तर हिसाब से मुझार कष्ट पेन टाक रिलीफ करेबी आई विल चलाबुला कर सहायक होबी एवं से जो निर्भरशील होते इंडिपेंडेंट कर मुझे से अनुसार मो पे बहुत रोगी आसुच्च।
ସାର୍ କେତେକ ରୋଗ ଅଛି ଯାହାର ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଶୀତଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟାର ଲୋକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଖାସ କରି ଏଇ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ପସନ୍ଦ ବି କରିଥାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଭଳି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ରହିବ? ପ୍ରଥମ ପରାମର୍ଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀତଦିନ ଯେଉଁ ରୋଗଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ମଣିଷ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିଛେ। ଶୀତଦିନ, ଖରାଦିନ, ବର୍ଷାଦିନ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଏବଂ ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଶୀତଦିନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ବେଶୀ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ସତ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜେସ୍, ଓଠ ଫାଟିବା, ମୁହଁ ଫାଟିବା, ହାତ ଫାଟିବା, ଗୋଡ଼ ଫାଟିବା, ଦେହ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ଦେହରେ ହାଇପ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଶୀତଦିନରେ ହୁଏ। ଏବଂ ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସାରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ। ସାର୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି କୌଣସି ନା ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଭଳି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ'ଣ ରହିବ? ମୋର ପରାମର୍ଶ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେଉଁ ରୋଗୀ ହେଉଛି ସେ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ ଯେ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତର ମୁଁ ସବୁ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା କରିବି ଏହା ନୁହେଁ। ଏହା ଏ ମୋର ପ୍ରଫେସନର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସବୁ ପଦ୍ଧତିର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି। ଏଲୋପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ତାଙ୍କର ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି, ହୋମିଓପାଥିର ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ତାଙ୍କର ଲିମିଟେସନ୍ ଅଛି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପଦ୍ଧତି ସବୁ। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ନିଜ ଲିମିଟେସନ୍ ଭିତରେ ରହି ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୋର ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଶେଷ ଉପକାର ପାଇବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏଇଟା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସ ବା ଏଲୋପାଥି ଚିକିତ୍ସାରେ ଭଲ ଉପକାର ପାଇବ, ତାହେଲେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ମାଇ ପେସେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ସୁଡ଼୍ ଚୁଜ୍ ଦିସ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର, ମାଇ ପେସେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ମି ରାଦର ଦେନ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୁଡ଼୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବି ଯେ ଏଇଟା ଏଥିରେ ଭଲ ହେବ, ତୁମେ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କର। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା, ଏଇଟା ଏଇଠି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବ, ସେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବା, କିଛି ଅସୁବିଧା। ଏବଂ ରିମାଟୋଲୋଜିକାଲ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ରୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହୋମିଓପାଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଯେଉଁଟା ନପାରିବି ତୁମ ଅନ୍ୟଟାକୁ ଦେଖାଅ। ସାର୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏତେ ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା ବି ନଥିଲା, ଏବେକାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ ସବୁ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ ଆସିବାର କାରଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ରୋଗ ନିରୂପଣ କରିବାଟା ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଅନେକ ରୋଗ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଜଣାପଡ଼ିପାରୁନଥିଲା ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଇନ୍ସର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ନୂଆ ନୂଆ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ରୋଗ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତା'ପରେ ସେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି କି ନାହିଁ, ଯଦି ନହେବ ତାହେଲେ ଲୋକ ଅଲଟିମେଟଲି ସେଇଥିରେ ହିଁ ସଫର କରିବ। ତେଣୁକରି ରୋଗ ଏବଂ ଜୀବନ ପଦ୍ଧତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଜିକାଲି ବଦଳି ଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଆଗରୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ଯେତେ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଡାଇବେଟିସ୍। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଜୀବନ, ଏଇଟା ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜର୍ଡର୍ସ, କ୍ୟାନ୍ସର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜର୍ଡର୍। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଏବେ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇପାରିଲା, ତେଣୁକରି ସବୁ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଗୁଡ଼ାଏ ରୋଗର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ରୋଗ ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ରିଜନ୍ ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଯେ ଆମର ରୋଗ ଅନେକ ହୋଇଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ରୋଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଲାଗି ଆମ ପାଖରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାରଣ। ତ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ହୋମିଓପାଥି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ହୋମିଓପାଥିର ସ୍ଥିତି ଏବଂ କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଜଣାଇଲେ। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି।
नमस्कार नमस्कार।